सब्सक्राइब कीजिए डीएक्शन सात का बाद चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग डीएक्शन इंडिया, गुड मॉर्निंग डीएक्शन महाराष्ट्र, गुड मॉर्निंग डीएक्शन मुंबई। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू मीटिंग सीरीज में जिसका नाम है डीएक्शन हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस सेशंस। ये सेशंस काफी यूनिक और अनोखे होने वाले हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि इसे होस्ट भी लेडीज करेंगी और यहाँ पर जो स्पीकर पर्सन आएंगे वो भी लेडीज ही होंगी। बहुत बहुत वेलकम है आप सबका इस मीटिंग्स में और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहां पर भी होंगे अपने घर पर हेल्दी और वेल्दी होंगे। आज की हमारी जो लेडी स्पीकर है वो काफी स्पेशल है, आप सबने देखा होगा स्क्रीन पे ऑलरेडी। इनके बारे में इंट्रोडक्शन दूं ही क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना कुछ है कहने के। मुझे याद है मेरी इनसे जब पहली मुलाकात हुई थी तब इन्होंने मुझे सबसे पहले मिलकर गले लगाया था और ये कहा था इस डीएक्सन की रस्सी को कभी मत छोड़ना बेटा, ये तुम्हें काफी आगे ले जाएगी। और शायद यही रीजन है कि मैं आज तक इनकी कोई भी मीटिंग्स मिस नहीं करती। जब भी ये हमारे दादर स्टॉक पॉइंट में आकर माइक पकड़ती है तो एक मोटिवेशन का करंट फैल जाता है पूरे हॉल में। उसी तरह हमारी ये लेडी स्पीकर, she is a BCom graduate from Mumbai University. Along with that, इनके पास बहुत सारी educational qualities और experiences है. She has experience in industrial psychology, business management, advertising, mass media and many more. और कहने को तो बहुत कुछ है इनके बारे में. She is a dynamic motivator, she is a dynamic personality. जब भी stage पर आती है या hosting करती है तो मतलब पूरे stage में पूरे प्रोग्राम के लिए चार चांद लग जाते हैं। अलोंग विद दैट सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि जब 3500 पीवी का अब जब शुरुआत हुआ है, हमें पहले दिन वो कंप्लीट करना होता है, इनके ग्रुप में इन्होंने और इनके हस्बैंड ने, दे आर अगेन अ डायनामिक कपल, इन्होंने ये शुरुआत बहुत पहले कर दी थी अपने टीम, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को लेके एक पावरफुल टीम खड़ा करने के लिए। सो टू नॉट वेस्ट मोर टाइम मैं अपने स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी अपने साथ मिसेस विशाखा प्रशांत पवार फ्रॉम इंडिया मुंबई डबल डायमंड। प्लीज वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। गुड मॉर्निंग। फ्रॉम नाउ ऑन वी ऑल नो द टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट रिटेल। सो हम बहुत उम्मीद से देखना चाहते हैं कि कोई आप हमारे साथ टिप्स या ट्रिक्स करेंगी सो दैट वी कैन ऑल्सो डू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमारे बिजनेस। गुड मॉर्निंग डीएक्सएम। गुड मॉर्निंग। वी आर गोइंग टू सी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द वेलनेस। वेलनेस में डीएक्सएन का नाम बहुत सालों से, लगभग 28 सालों से है एंड दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म विच इज गिवन बाय डॉक्टर लिम सिरोचिन। आई वांट टू थैंक हिम फॉर गिविंग मी दिस ब्यूटीफुल लाइफ। आज पेंडेमिक के सिचुएशन में भी हम खुशहाल जीवन जी रहे हैं, दैट जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर लिम, जिन्होंने लगभग 40 साल पहले, अबाउट 38-40 ईयर्स बैक, एक विजनरी के हिसाब से एक सपना देखा था कि हर परिवार, हर महिला बच्चा अपने घर में, अपने परिवार में सुखी रहे। एंड यस, वी आर एंजॉयिंग दैट लाइफ। एक स्वास्थ्य और संपत्ति के हिसाब से आज डीएक्सएन में हम एंजॉय कर रहे हैं एंड दैट्स बिकॉज ऑफ डॉक्टर लिम सिरोचिन। आई वांट टू गिव हिम ग्रेट थैंक्स। एक विजनरी है और आज जो हमारे जीवन में जो पेंडेमिक के कंडीशन में भी खुशहाली है, केवल उनका विजन की वजह से है। सो थैंक्स अ लॉट डॉक्टर लिम सिरोचिन। और मैं मिस फहिला सारंग को भी थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। नन्ना बच्चा हमने देखा है आज बहुत ग्रो अप हुआ है और अच्छा लगता है जब अपना नेक्स्ट जनरेशन, व्हेन यू सी देम ऑन द प्लेटफॉर्म एंड विद अ ग्रेट ब्लूम ऑफ इट, सो इट इज सो नाइस। मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द क्राउन एम्बेसडर बने और बहुत सारी तरक्की हासिल करे। So thanks a lot, Ms. Faila. I always say good morning, DXN. Welcome to the wellness.
वेलनेस के लिए वेलकम इसलिए कि जब आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं और नॉर्मल लाइफ में आप जब एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे रहते हो, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम, ये सिंगल सोर्स ऑफ इनकम आपको क्या देता है? तो एक हार्ड वर्क देता है, एक टफ वर्क देता है, एक सॉलिड डिफिकल्ट टाइम देता है, और ये डिफिकल्ट टाइम आपको टफ बना देता है, लेकिन बहुत सारी आपको उसमें जस्ट अ सेकेंड एक नॉर्मल लाइफ में जब आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे रहे, आपको टफ लाइफ से गुजरना पड़ता है, और ये टफ लाइफ आपके जीवन में बहुत चुनौतियां लाता है। टफ लाइफ आपके जीवन में बहुत सारी चुनौतियां लाता है। सिंगल सोर्स ऑफ इनकम सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे जब आप रहते हो तो बहुत सारी चुनौतियों से आपको गुजरना पड़ता है, और ये चुनौतियां आपको टफ लाइफ देती है। उसमें आपका जो उन्नति रहती है, जो बढ़ोतरी रहती है, वो उस हिसाब से नहीं होती है जिस हिसाब से आप चाहते हो। जो उन्नति, वो तरक्की आप जो चाहते हो, वो हिसाब से नहीं होती है। और वो हिसाब से अगर चाहिए तो आपको ये नॉर्मल साइकिल से अलग चीज देनी पड़ेगी। असाधारण बनने के लिए आपको कुछ असाधारण चीजें करनी पड़ेगी, और यही असाधारण चीजें क्या हो सकती है? एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम आपको टफ और हार्ड वर्क देगा, एक तरक्की जो चाहिए वो नहीं दे पाएगा। लेकिन जब आप तरक्की अच्छे से चाहते हो, एक तेजी से चाहते हो, एक अलग से असाधारण जीवन जीना चाहते हो, तो आपको चाहिए एक अलग से असाधारण चीज। जो असाधारण चीज हमें मिली है डीएक्सएन के माध्यम से, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो बहुत ही असाधारण है, एक बहुत ही चुनौती वाला है, लेकिन फिर भी आपको आपके सपनों तक लेके जाने वाला, तसल्ली देने वाला है। इसमें क्या है? तो इसमें आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ये आपको स्मार्ट वर्क के लिए उत्तेजित करेगा। लेकिन ये स्मार्ट वर्क किस चीज के लिए? एक सोर्स ऑफ इनकम पे रखेगा? नहीं, ये आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे लेके जाएगा। मतलब केवल एक नहीं तो अनेक सोर्सेस आपके लिए खड़ी हो जाएंगे। हम जानते हैं कि आज पेंडेमिक के कंडीशन में, स्क्रीन खुलना नहीं, आज पेंडेमिक के कंडीशन में बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां गवाई, बहुत सारे बिजनेसेस शट डाउन हुए, बहुत सारे क्राइसिस हुए, लेकिन उस चीज में भी जब 5-6 महीने का मैं खुद को देखती हूँ, मेरे साथ जो डीएक्सएन के लीडर्स देखती हूँ, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स देखती हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि जो लोग आज डीएक्सएन से जुड़े हुए हैं और जो डीएक्सएन के साथ आज भी है, उन्होंने ना अपनी बिजनेस गवाया है, ना अपना वाउचर नीचे आया है। इनफैक्ट आई एम रियली थैंकफुल कि मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरा वाउचर घटा नहीं, वो बंद नहीं हुआ, उल्टा मेरा वाउचर बढ़ा। तो पेंडेमिक के कंडीशन में लोगों को पैसा नहीं आ रहा था, और यहाँ पे डीएक्सएन में उल्टा चीज हो रहा था कि पेंडेमिक कंडीशन में भी हम इनकम ले रहे थे और हमारा इनकम बढ़ रहा था। घर पे बैठ के भी हमने बिजनेस किया, घर पे बैठ के हमने बिजनेस किया, कोऑर्डिनेट किया, लोगों को, जो लोग अति दक्षता सेवा में थे उनको सेवा दे पाए हम। ये बहुत तसल्ली थी मन को, एक समाधान मिला जिस चीज के लिए, मतलब लोग तरस रहे थे कि एक इम्यून बूस्टर चाहिए था, एक सुगुण का जीवन चाहिए था, उस वक्त वी वर द हेल्पिंग हैंड, हम सेवा देने वाले लोग बने। और ये थैंक्स टू डॉक्टर लिन सियो जिनको है, डेफिनेटली ये पेंडेमिक कंडीशन में भी हमारा एजुकेशन बरकरार रहा बिकॉज ऑफ द सिस्टम। एक आरबीसी सिस्टम की बदौलत हमको घर पे ही हमारा एजुकेशन मिलता रहा, हमारा साइकोलॉजिकल बूस्टिंग, मेंटल बूस्टिंग मिलता रहा, और कहीं भी हमें ऐसे नहीं लगा
कि इट इज अ ग्रेट क्रिटिकल कंडीशन, उसमें भी हमें खुशियां मिलती रही, हम खुद को सुकून देते रहे, खुद को भी और हमारे परिवार को भी, हमारे समाज के लिए भी हम हेल्पिंग हैंड बनते रहे. सो इट इज अ ग्रेट थिंग थैंक्स टू द सिस्टम ऑफ आरवीसी, सिस्टम ऑफ मार्केटिंग, सिस्टम ऑफ डीएक्सएन, कि एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म हम ले पाए. और डीएक्सएन ऐसी साइकिल है, ऐसी स्मार्ट जॉब है जो हमें आज पेंडेमिक कंडीशन में भी मिली है और नॉर्मल लाइफ में भी हमने वो हासिल की है, एंजॉय की है. दिस विल गिव यू अ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम. ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा कि आप एक ही इनकम पे नहीं रहे हो, आप मल्टीपल इनकम पे हो तो आप आसानी से जी सकते हो, एक सुकून रहेगा, आपको टेंशन वाला जीवन नहीं रहेगा. और डीएक्सएन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे 10 गियर की साइकिल चलती है. 10 गियर की मतलब 10 तरह के मल्टीपल, 10 तरह के सोर्स ऑफ इनकम आपको यहाँ पे मिल सकते हैं. तो हम देखेंगे कि ये मल्टीपल इनकम, सोर्स ऑफ इनकम डीएक्सएन के क्या है, और एक आसान साधारण जीवन जीने से अच्छा हम हमारे साइकिल को एक स्मार्ट जॉब, एक स्मार्ट वर्क की तरह गियर बदल के भी जी सकते हैं और उसमें मजा है. ये 10 गियर क्या है? दीज आर द 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम सोर्सेस. इसमें मैं हमेशा कहती हूं, अगर आप शर्ट पहन रहे हो तो आप जब शर्ट पहनते हो तो पहला जो बटन है वो बराबर लगा तो पूरा शर्ट आप अच्छे से पहनते हो. सेम वे द फर्स्ट गियर ऑफ योर साइकिल फॉर द स्मार्ट जॉब, फॉर द स्मार्ट इनकम इज अ रिटेल प्रॉफिट. ये रिटेल प्रॉफिट आपको कहां से आएगा? नॉर्मल टर्म में आपको बहुत सारी पूंजी लगानी पड़ती है, नॉर्मल टर्म में आपको बहुत सारे रिसोर्सेज उसमें डालने पड़ते हैं और उसके बाद पूरा खर्चा निकाल के आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है. लेकिन डीएक्सएन ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आपको रेडीमेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं और जिनको आपके लिए मार्केट ऑलरेडी बनाया हुआ है वैसा प्रोडक्ट आपको दिया जाता है. सिर्फ आपको उसको मार्केट में प्रेजेंट करना रहता है, उसको उसकी जगह से हिला के किसी और के हाथ में, खुद के हाथ में या किसी के हाथ में देना रहता है, शेयर करना रहता है. सो दैट इज अ रिटेल प्रॉफिट एंड दिस इज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट गियर ऑफ योर साइकिल. अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन तेजी से बढ़े, अपने अपने सपने अच्छे से तेजी से आप कंप्लीट कर सके तो रिटेल प्रॉफिट इज अ मेन गियर ऑफ योर साइकिल. इट्स अ वेरी स्मार्ट जॉब ऑफ योर लाइफ. द सेकेंड आपका सोर्स ऑफ इनकम है ग्रुप बोनस. जो ग्रुप बोनस के लिए हम हमेशा चाहते हैं कि ये ग्रुप बोनस ज्यादा से ज्यादा बढ़े ताकि हमारा वाउचर ज्यादा से ज्यादा बढ़े, नए से नए लोग हमारे साथ जुड़ते रहे, वो उसका एंजॉयमेंट ले और अपना नेटवर्क बढ़ाते रहे. तो जो गैप मिलेगा वो आपको अच्छा सा बोनस, अच्छा सा इनकम देता रहेगा, वो भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा. फिर है स्टार ग्रुप बोनस. ये तो हम जानते हैं कि स्टार जो हमारे नीचे, हमारे साथ जो पार्टनर्स है वो जो स्टार बनेंगे तो स्टार बनने के बाद उनका जो बोनस आएगा तो वो बोनस हमारे लिए बहुत बढ़िया सा एक इंक्रीमेंट देगा और एक सोर्स ऑफ प्रॉफिट भी देगा. डेवलपमेंट बोनस. ये डेवलपमेंट बोनस जो हमारे, हमने जो नेटवर्क में काम किया है, हम लोगों ने जो लोगों को आगे बढ़ने के लिए काम किया है वो डेवलपमेंट बोनस हमारे बोनस में जुड़ता रहेगा. दैट इज ऑल्सो अनदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर अस. फोन इंसेंटिव. यस, जब आप किसी को 12,500 का एक वाउचर दिलाने में सक्सेसफुल होते हो बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत सुकून मिलता है क्योंकि वो फोन इंसेंटिव वन टाइम इनकम है, वन टाइम सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन फिर भी जो आदमी वो पाता है तो उसका जो खुशी रहता है
वो बहुत बढ़िया रहता है. एंड कंपनी हैज ऑलवेज सेड्स दैट यू टेक द फोन इंसेंटिव फॉर योर डेवलपमेंट फॉर योर ग्रोथ. The sixth is a leadership bonus. Yes, here you have developed yourself as a leader and you are developing another leader under you. So when you earn leadership bonus, it's a great platform कि आपने बहुत सारा achievement लिया है जब तभी तो आप leadership bonus के लिए qualify हुए. This is also one of the source of income which is very very valid source of income for us. Travel incentive. Travel incentive कब मिलता है? जब आपके नीचे 5 लोग 12,500 का वाउचर लेते हैं फ्रंट में, तब आप वो ट्रैवल इंसेंटिव लेते हैं 1 लाख का. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसी जून महीने में जो पेंडेमिक कंडीशन थी जून 2020 में, मैंने मेरा 1 लाख का वाउचर जो ट्रैवल इंसेंटिव है वो मैंने क्वालिफाई किया. और बहुत बढ़िया लगा जब लोग कह रहे थे कि हमें पैसा नहीं आ रहा है, तब मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया डीएक्सएन के माध्यम से जमा हुआ. एंड आई वाज सो डिलाइटेड, आई वाज सो हैप्पी. मेरे फादर इन लॉ भी पूछ रहे थे, अरे लोगों की नौकरी आ गई है, लोगों को पैसे नहीं आ रहे, और यहाँ पे आपका 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में डीएक्सएन के माध्यम से आ रहा है. दिस इज अ लश ऑफ डीएक्सएन, दिस इज अ ब्यूटी ऑफ डीएक्सएन. पेंडेमिक के कंडीशन में बहुत लोगों ने बहुत सारी दिक्कतें सहन की है, लेकिन आई रियली थैंक्स डॉक्टर रीम प्रोफेसर, डॉक्टर रत्ना मैम, हमारे आचार्य के अग्रवाल सर, एंड डेफिनेटली यस आर PIC, अवर द ग्रेट मेंटर फ्रॉम मुंबई REC के SN मिश्रा जी है, अजय सिंह जी, इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पेंडेमिक के कंडीशन में लोग कोविड के सेंटर ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ साइकोलॉजिकली वी वर सो स्ट्रेंथ, जितनी पावरफुल थी कि हमारा वाउचर बढ़ रहा था, हमारा बिजनेस बढ़ रहा था, ऊपर से सुगुन था, और हमको ये तसल्ली थी कि आगे 2 साल है, 1 साल है, उसमें हमारा बिजनेस बढ़ता ही जाएगा और हमें अच्छे से संपत्ति प्राप्त हो सकती है. यस, द प्रॉफिट इंसेंटिव. बहुत बार हम ये कहते हैं कि जब आप डायमंड बन जाते हो देन यू गेट क्वालिफाई फॉर दैट 2%. जब लोग कहते हैं ना कि हाँ मैंने बिजनेस शुरू किया है लेकिन अभी मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, बट आई गॉट सेटिस्फाइड व्हेन आई बिकेम अ डायमंड. और वो 2% जिस देश में मेरा बिजनेस भी नहीं है वहां से जब 2% आता है, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द लाइफ, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द इनकम सोर्स विच इज गिवन बाय द डीएक्सएन प्लेटफॉर्म. एक बहुत बढ़िया सा ये प्रॉफिट इंसेंटिव हमको मिला है और इसका हमने लास्ट बहुत सालों से उपयोग किया है. हमको मिला है ये प्रॉफिट इंसेंटिव और मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग ये प्रॉफिट इंसेंटिव पाए, ताकि ये जो रॉयल्टी इनकम है जिसका लश सिर्फ और सिर्फ आर्टिस्ट और साइंटिस्ट ले पाते हैं, वो लश आज हम डीएक्सएन लीडर्स ले पा रहे हैं, हम डायमंड्स ले पा रहे हैं. तो ये प्रॉफिट इंसेंटिव हर एक लीडर को मिलना चाहिए, हर एक लीडर को उसका आनंद उठाना चाहिए. मैं चाहती हूँ बहुत सारे जितने भी आज स्टार एजेंट है, जितने भी रूबी है, जितने भी आज डायमंड के कतार में खड़े, वो जल्द से जल्द डायमंड बन जाए और अपना प्रॉफिट इंसेंटिव लेना शुरू कर दे. सो ऑल द बेस्ट टू यू. एंड यस, ट्रेवल पॉइंट. डीएक्सएन आपको दुनिया घुमाती है. पता नहीं कितने जगह पे आज डीएक्सएन ने घुमाया होगा, और बहुत सारे ऐसे देश जहां पे हम जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, लेकिन डीएक्सएन इज अ कंपनी विच गिव्स यू अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म. एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म देती है कि आप आपका बिजनेस अच्छे से कीजिए, आप आपका शेयरिंग अच्छे से कीजिए, और ट्रैवल पॉइंट TSIP के माध्यम से आप देश घूम आइए, जग घूम आइए. और कोई भी चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा दूसरे दूसरे जगहों पे जाए, दूसरे दूसरे देश देखे, दूसरे लोग देखे, दूसरे लोगों का वे ऑफ बिजनेस देखे, वे ऑफ लिविंग देखे, और एक अलग सा माहौल में एक आनंद उठाने का माहौल जो मिलता है वो TSIP माध्यम से हमें DXM दे रहा है. एंड थैंक्स टू डॉक्टर लिन सियोजिन अगेन. इट्स जस्ट नॉट द मनी, इट्स जस्ट नॉट द यू नो पीस ऑफ माइंड, बट यस इट गिव्स यू अ चांस टू सी द एंटायर वर्ल्ड, जग कैसे काम करता है, वहां पे कैसे लोग हैं और कैसे उन्नति करते हैं,
हमारे जैसे लोग है, साधारण लोग है, वो कैसे असाधारण बने हुए हैं, तो उसका एक प्लेटफॉर्म डीएक्सएन के माध्यम से देखने को मिलता है। एंड अगेन, ये क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपका बिजनेस करना है, आपको आपका काम अच्छे से करना है। आप अच्छे से काम करते हो तो आप टीएसआईटी क्वालिफाई होते हैं और जब घूमने का आपको चांस मिलता है। एंड यस, द 10th गियर ऑफ योर लाइफ इज आईओसी। आईओसी मतलब एक माइक्रो बिजनेस, एक माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, एक छोटी सी ऐसी उपलब्धि कि छोटे से कैपिटल से आप आपका बिजनेस शुरू करते हो। एक छोटा सा नन्ना सा कैपिटल आप उसमें डीएक्सएन में डालते हो और वही डीएक्सएन का छोटा सा कैपिटल आपको बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए मदद करता है। आइसिंग ऑन द केक, केक तो सबको अच्छा लगता है लेकिन उस ऊपर का आइसिंग ज्यादा अच्छा लगता है। आप कितने भी बड़े हो, 5 साल के हो या 50 साल के हो, लेकिन केक के ऊपर का आइसिंग खाने में जो मजा है वो सबको पता है। सो आईओसी इज आइसिंग ऑन द केक। जस्ट जब आपका एसआईएमपी अच्छे से चल रहा है तो उसके साथ पैरेलली जब आईओसी भी चलता है तो दैट इज अ 10th गियर ऑफ योर स्पीड। सो वो 10वां सोर्स आपको डीएक्सएम के माध्यम से मिलता है। और आई थिंक मेनली पीपल आर, बहुत सारे लीडर्स इसका उपयोग कर रहे हैं और इससे इनकम ले रहे हैं। सो दैट इज अ ग्रेट लाश ऑफ द डीएक्सएम सोर्स ऑफ इनकम। तो ये 10 गियर जो है वो स्पीड बढ़ाने के लिए, आपके सपने को साकार करने के लिए, फास्टेस्ट जाने के लिए मदद करते हैं। हाउ टू इंक्रीज रिटेलिंग, हम हमेशा सोचते हैं फर्स्ट गियर अच्छे से बनना चाहिए, तो हाउ टू इंक्रीज द रिटेल, आपका रिटेल प्रॉफिट कैसे बनना चाहिए। रिटेल प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो ही आपका फर्स्ट गियर, जो स्पीड का फर्स्ट गियर है, वो बराबर से आएगा। ये रिटेल प्रॉफिट हम कैसे बढ़ाएं, रिटेल प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। डू यू लव सेलिंग, आपको बेचना अच्छा लगता है? नो, मुझे नहीं लगता किसी को बेचना अच्छा लगता है, क्योंकि खुद को भी जब मुझे अपॉर्चुनिटी आई तब मैंने भी कहा मैं सेलिंग नहीं करूंगी, मुझे बेचना अच्छा नहीं लगता। नो वन लाइक्स टू सेल, बट यस, यू ऑलवेज लव टू शेयर, हमको शेयर करना अच्छा लगता है, सेल करना अच्छा नहीं लगता है। यू लव टू सेल, मैंने कुछ चीज ली है, एंजॉय की है, तो मैं किसी और के साथ वो शेयर करती हूँ, डेफिनेटली उससे बात करती हूँ, उससे बोलती हूँ कोकोजी अच्छा है, बहुत बढ़िया, आप यूज कर सकते हैं, 3-in-1 कॉफी अच्छी है, जी मोका अच्छा है, या तो हमारा नीली तैलम अच्छा है, कुकीज अच्छे है। सो वी शेयर विद द पीपल, वी डोंट सेल एनीथिंग, नो वन लाइक सेलिंग इट। इफ यू डोंट वॉन्ट टू लिसन नो, आप चाहते हो कि आपको कोई ना ना बोले, किसी को ना सुनना अच्छा लगता है? मुझे तो नहीं लगता है, डेफिनेटली नो वन लाइक्स टू हियर। इफ यू डोंट वॉन्ट टू लिसन नो, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई योर मार्केट। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई ना ना बोले तो आपको आपका मार्केट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपके लोग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, जो आपके कंज्यूमर है, जो आपके उत्पाद लेना पसंद करेंगे और उसको अपना के उसको शेयर करना पसंद करेंगे। देयर विल बी, देयर इज अ ह्यूज मार्केट, लेकिन वो ह्यूज मार्केट में आपको आपका मार्केट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये लोग आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि जो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। देयर इज अ ह्यूज मार्केट, इट इज अ वास्ट मार्केट। मुंबई देखी जाए तो वो करोड़ में है, महाराष्ट्र देखा जाए वो करोड़ में है, हम हिंदुस्तान देखेंगे वो करोड़ों में है, पूरा जग देखेंगे वो करोड़ों में है, लेकिन इन पूरे बाजार से, इन मार्केट से, एंटायर वर्ल्ड से हमको क्या चाहिए? तो वी वॉन्ट दोज पीपल हु कैन यूज द प्रोडक्ट्स, हु कैन एक्चुअली एंजॉय द प्रोडक्ट्स ऑफ आज। व्हाट इज योर टारगेट मार्केट, आप क्या चाहते हो? इन ये सब लोगों तक आपको पहुंचना है, लेकिन एक साथ यहाँ पे नहीं पहुंच पाते, तो आप कैसे इन लोगों तक पहुंचोगे?
चूज योर मार्केट प्रोफेशनली. प्रोफेशनली मतलब क्या, आपको स्मार्ट तरीके से, पूरा मार्केट खाली है और पूरा मार्केट आप चाहते हो लेकिन हर एक के पास आप एक साथ में नहीं पहुंच पाते, तो आपको आपका मार्केट टारगेट करना पड़ेगा. यू हैव टू टारगेट अ सर्टन मार्केट, एक छोटा सा मार्केट आपको टारगेट करके उस तक पहुंचना है. फिर अगर उस तक पहुंचोगे तो आप वो मल्टीप्लाई करते जाओगे, लेकिन एंटायर मार्केट के साथ एक ही साथ में जाना किसी को भी पॉसिबल नहीं. सो वी नीड टू चूज दैट स्मॉल टारगेट ऑफ आवर्स. योर एक छोटा सा टारगेट आपको बहुत प्रोफेशनली जाना पड़ेगा, तो वो जो मार्केट है वो आपको बहुत स्मार्ट जॉब से प्रोफेशनली लेना पड़ेगा, ताकि उन तक आप पॉजिटिवली पहुंचोगे और आपको अच्छे से पॉजिटिव रिजल्ट फास्टेस्ट मिलेंगे. क्योंकि बहुत बड़े मार्केट तो आपको रिजल्ट उतने फास्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन वेन यू डू अ टारगेट यू विल गेट दैट स्मॉल टारगेट बट अ रिजल्ट फास्ट. प्रोफेशनल सॉर्ट आउट्स द मार्केट, मतलब प्रोफेशनल लोग जो है, जो स्मार्ट लोग है, वो अपने मार्केट को सॉर्ट आउट करते हैं. वो उतने ही टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं जो उसको रिजल्ट दे सकते हैं. लेकिन इमैच्योर्ड रहते हैं, जिनको मार्केट का ज्ञान नहीं है, वो सेल्स करते रहते हैं, मतलब वो बेचना चाहते हैं. बट प्रोफेशनल्स अपना मार्केट सॉर्टिंग करके लेते हैं. वो वही क्लाइंट तक पहुंचते हैं, वही लोगों तक पहुंचते हैं जो 100% रिजल्ट दे पा सकते. प्रोफेशनल नो देयर रोल, प्रोफेशनल ऑलवेज नो देयर रोल. मतलब प्रोफेशनल चाहते हैं, वो जानते हैं कि हमें इस मार्केट में क्या करना है. वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हम इससे कैसे निकालें. फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ योर इन दिस बिजनेस. इस बिजनेस में आपका क्या रोल है, वॉट इज योर रोल इन. इधर चेंज पूरा स्क्रीन. यू हैव टू चूज योर मार्केट वेरी प्रोफेशनली. उसमें आपका टारगेट मार्केट आप देखते जाइए कि वो ही मार्केट हमको उठाना है. प्रोफेशनल सॉर्ट आउट्स देयर टारगेट. प्रोफेशनल अपना टारगेट मार्केट वो बहुत अलग से स्मार्टली कर निकाल लेते. इमैच्योर पर्सन सेल्स, वो सेलिंग करते रहते. प्रोफेशनल नो देयर रोल. प्रोफेशनल्स को पता रहता है कि मेरा इसमें रोल क्या है और मैं इससे क्या चाहता हूं. प्रोफेशनल व्हाट इज योर रोल. हमारा रोल क्या है एज एन प्रोफेशनल, एज अ लीडर, व्हाट इज योर रोल इन दिस. अंडरस्टैंडिंग योर रोल. खुद आप वो बिजनेस में डाल के आप क्या चाहते हो. वो प्लेटफॉर्म पे आप क्या हो, एक स्टार एजेंट हो, एक रूबी हो, एक डायमंड हो, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी. आप किस हिसाब से आप उस सिस्टम में विचार करते हो, एक खुद को एक प्रोफेशनली वहां पे आपका रोल क्या है वो आप देखना बहुत जरूरी है. उस पर पर्सनल डेवलपमेंट होना जरूरी है. अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको एनडीटी लेना जरूरी है, फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग देखना जरूरी है. आप स्टार एजेंट बन जाते हो तो रूबी होना जरूरी है, रूबी के बाद आपको डायमंड, या तो आपके खुद की डेवलपमेंट हमेशा आपको करती रहनी चाहिए. जब पर्सनल डेवलपमेंट होती रहेगी तो ड्यूटी ऑफ केयर आपका आता जाएगा. जब आप लीडर बनते जाओगे तो एक लीडर क्या करता है, तो दूसरों को सपोर्ट करता है. एक ऐसी सिस्टम तैयार करने के लिए तैयार हो जाता है जो खुद आपने बनाई हुई है. इसके लिए आपको लोगों को, आपके साथ जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको हेल्प करना जरूरी है, सपोर्ट करना जरूरी है. उनको आप एडवाइस कर सकते हो जो पॉसिबल है, गाइडेंस कर सकते हो, उनको असिस्ट कीजिए, उनको आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा सा सहयोग दीजिए,
ताकि वो आगे बढ़ते रहे, और जितना आप सहयोग उनके लिए बढ़ाओगे बिजनेस उतना ज्यादा अच्छे से बढ़ता रहेगा, एक प्रोफेशनलिज्म आता रहेगा और वो भी सीखते जाएंगे कि आप खुद प्रोफेशनल हो और नए नए प्रोफेशनल्स बना रहे हो। दिस इज अ मार्केटिंग बिजनेस, दिस इज अ मार्केटिंग बिजनेस। योर रोल इज टू मार्केट योर सिस्टम। ये एक मार्केटिंग बिजनेस है और आपका रोल क्या है, तो मार्केट योर सिस्टम। एक सिस्टम जो बनी बनाई हुई है उसको आपको लोगों तक प्रेजेंट करना है, और जब आप ये सिस्टम प्रेजेंट करते हो तो बिजनेस करने में, आगे बढ़ने में आसानी हो जाती है। और ये सिस्टम कैसे, द सिस्टम विल सेल द बिजनेस एंड प्रोडक्ट्स, द सिस्टम हैज अ कैपेसिटी टू सेल द बिजनेस एंड द प्रोडक्ट। आपको लोगों तक प्रोडक्ट लेके जाने की जरूरत नहीं है, सेलिंग करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे सेल्समैन क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट उठा उठा के बक्से डाल डाल के सेलिंग करते जाते हैं, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि वी शुड वर्क प्रोफेशनली, वी शुड सॉर्ट आउट अवर टारगेटेड बिजनेस, वहां पे खुद को काबिल करके फिर उस सिस्टम को आपको प्रेजेंट करना है, उस सिस्टम को आपको लोगों तक मार्केट करना है। जैसे आप सिस्टम को मार्केट करोगे, द सिस्टम इटसेल्फ विल डू द बिजनेस एंड द प्रोडक्ट्स, सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपने किसी को डीएक्सएन का प्लेटफॉर्म बता दिया, कहा कि डीएक्सएन में बहुत सारा इनकम आता है, बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है, तो अपने आप वो सोर्स ऑफ इनकम मिलने के लिए लोग क्या करेंगे, वो सिस्टम से जुड़ जाएंगे। वो सिस्टम को जुड़ने के बाद उनको पहला चीज करना पड़ेगा, खुद का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। जब वो खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उनको अगर कॉफी अच्छी लगती है, सोप अच्छा लगता है, शैम्पू अच्छा लगता है, तो वो उसका एंजॉयमेंट लेंगे, वेलनेस लेंगे, और वो दूसरे से शेयर करेंगे। सो ऑटोमेटिकली द सिस्टम विल डू द बिजनेस फॉर यू, द सिस्टम विल डू द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर यू। आपको एक प्रोफेशनलिज्म आप में आता हुआ नजर आएगा। यू सिंपली प्रेजेंट यूर सेल्फ एज अ लीडर। आपको क्या करना है, तो लोगों को आपको एक आप लीडर की तरह प्रेजेंट करना है। लोग देखना चाहते हैं कि आप कितना तंदुरुस्त हो, लोग देखना चाहते हैं कि ये पेंडेमिक कंडीशन में भी आपका इनकम आ रहा है, लोग देखना चाहते हैं आफ्टर पेंडेमिक देयर बी मे बी अ क्राइसिस मे नॉट बी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने नौकरियां गवाई है, बिजनेस गवाए है, लेकिन उस वक्त भी आपके प्लेटफॉर्म पे बरकरार रहते हो, ये लोग देखना चाहते हैं। अगर आपको एक लीडर के हिसाब से प्रेजेंट करते हो तो डेफिनेटली पीपल विल बी विद यू विद द सिस्टम ऑफ योर्स। और यहाँ पे आप क्या करते हो, अ ग्रेट लीडर क्रिएट्स मोर लीडर्स। एक अच्छा लीडर अनेक लीडर्स बनाता है। एक अच्छा जो नेता रहता है, एक अच्छा लीडर रहता है, वो खुद को तो अमीर बनाता ही है, वो खुद को तो अच्छा बनाता ही है, लेकिन वो सेम प्लेटफॉर्म दूसरे साथ भी शेयर करता है। So always the best leader, the great leader creates more and more leaders. And this is a system where it's possible you can create more great leaders along with you and we can work together. Let the marketing tools do the selling and sorting for you. हमेशा ये कहते हैं हम जाके selling करना पड़ेगा, किसी के दरवाजे पे कोकोजी बेचना है नहीं अच्छा लगता है। Let the marketing tools, मतलब लोगों तक आप ऐसी चीजें भिजवाइए कि वो टूल्स आपके लिए सेलिंग एंड सॉर्टिंग करेंगे। मतलब अगर आपके पास पैम्पलेट्स है, आपके पास डिजिटल कुछ लिफलेट्स है, आपके पास छोटे वीडियोस है, या तो आपके पास कोई टेस्टिमोनियल का वीडियो है, या तो कुछ भी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो, शेयर कर सकते हो, तो वो टूल के हिसाब से, एक अस्त्र शस्त्र के हिसाब से आप यूज कर सकते हो, लोगों तक पहुंचाने का तरीका यूज कर सकते हो। और जब वो पहुंचाते हो तो लोग उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, और उसके बाद सेलिंग होता है। और जो सेलिंग होता है वो बहुत पॉजिटिव सेलिंग होता है, वो एक आत्मविश्वास के साथ वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, और वहीं पे आपका सॉर्टिंग भी हो जाता है कि कोई आपके साथ कंज्यूमर के हिसाब से रहेगा तो कोई आपके साथ लीडर के हिसाब से रहेगा, तो वो सॉर्टिंग आपके साथ वहीं पे आपका मार्केटिंग टूल बनाने के लिए होगा। क्योंकि जब वो पैम्पलेट देखता है तो वो ये भी देखता है, केवल प्रोडक्ट लेने से मुझे वेलनेस नहीं मिलेगा, तो
तो मुझे वेल्थ भी मिलेगा, मेरा नेटवर्थ भी बढ़ सकता है, मुझे संपत्ति भी आ सकती है। ये जब वो पैम्पलेट वीडियो डिजिटल्स और ये सब यू नो यूट्यूब वीडियोज के माध्यम से देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। अगर कोई और कर सकता है, एक टीचर कर सकती है, एक बिजनेसमैन कर सकता है, एक डॉक्टर कर सकता है, एक वकील कर सकता है, तो मैं भी वो कर सकती हूँ। द सिस्टम फॉर पोजिशनिंग ऑफ योर सेल्फ, पोजिशनिंग ऑफ योर टूल्स, सिस्टम, ऐसे सिस्टम जो आपको पोजिशनिंग करती है, पोजिशनिंग ऑफ योर सेल्फ, आपको खुद को पोजिशनिंग करने में वो आपको एक सपोर्ट सिस्टम के हिसाब से काम करती है। मतलब आप क्या हो,